हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट ब्लॉक कैटेगरी टैब इन एलिमेंटर। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए हैं ब्लॉक के कैटेगरी पे। जैसे आपने ऑल पे क्लिक किया, आपको सारे ब्लॉक दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे कोई भी कैटेगरी पे, जैसे यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग क्या कैटेगरी बनी है उस पर क्लिक किया आपने, तो उसके रिलेटेड ब्लॉक दिखेंगे। अगर कोई इमेज कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो इस आपको उसके रिलेटेड ब्लॉग देखेंगे। मींस ब्लॉग, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ब्लॉग है और आप उसको टैब के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे वर्डप्रेस में बना सकते हैं एलिमेंटर के हेल्प से, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको राइट साइड में मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेन्यू बार में जाने के बाद मेन्यू बार में आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्लगइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन सेक्शन में। ओके, प्लगइन सेक्शन में हमको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, हैप्पी एड ऑन एलिमेंटर। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग एड न्यू में जाएंगे। एड न्यू में जाने के बाद हम प्लगइन सर्च करेंगे कौन सा, हैप्पी एड ऑन एलिमेंटर। ये हमने सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है हैप्पी एड ऑन फॉर एलिमेंटर। इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगी, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इसीलिए मुझे मेरे पास में एक्टिव का ऑप्शन डिसेबल दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल नाउ जैसा ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद आपके पास एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, उसको एक्टिव कर लीजिएगा। जैसे आपका एक्टिव हो जाता है प्लगइन, तो आपको ये राइट साइड मेन्यू बार में यहाँ पे एलिमेंटर एड ऑन, हैप्पी एड ऑन का ऑप्शन दिखाई देता है। ओके, तो आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को कोई भी पेज में, जिस भी पेज में हमको ये टैब्स दिखाना है, उसको उस पेज में हम जाएंगे, एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद में ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद में ये एलिमेंट्स है आपके, यहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम लोग पोस्ट टैब करके सर्च करेंगे। ओके, आपको देखो एलिमेंट दिखाई दे रहा है पोस्ट टैब नाम का, इसको हम ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद देखिए आपके पास ये एडिट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो करना पड़ेगा हमको। जैसे आपको टैब्स किसके लिए बनाना है, पोस्ट के लिए बनाना है, तो आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब टैब्स बनाना है पोस्ट के लिए, लेकिन किसके बेस पे, कैटेगरी टैब या फॉर्मेट, तो मुझे कैटेगरी बेस पे बनाना है, तो कैटेगरी के लिए बनाना है, मैंने कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने पहले से अपने प्रोजेक्ट में पोस्ट एंड कैटेगरी बनाए हैं क्या, वो चेक करने के लिए मैं अगेन डैशबोर्ड में जाऊँगी। डैशबोर्ड में जाने के बाद पोस्ट पर क्लिक किया मैंने। मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में 3 ब्लॉक ऐड कर चुकी हूँ। अब ब्लॉग तो ऐड किया, उसके साथ में मैंने कैटेगरी ऐड किया है कि देखती हूँ। कैटेगरी मैंने 5 कैटेगरी बना के रखी है, ऑल कंटेंट मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट करके। तो ये सारे कैटेगरी में मेरे ब्लॉग भी इंक्लूडेड है। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ पर ब्लॉग सिलेक्ट करूँगी। तो ब्लॉग की कैटेगरी सिलेक्ट करूँगी, जैसे मेरी ब्लॉग की कैटेगरी थी ऑल नाम की, तो मैंने ऑल टाइप किया। यहाँ पे मुझे जितनी भी कैटेगरी है दिखाई दे रही है। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट, ये देखिए जैसे मैं कैटेगरी ऐड कर रही हूँ वैसे यहाँ पे टैब ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग पे किया, देखिए डेटा प्रोसेसिंग की टैब ऐड ऑन हो गई। इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग वाला था मेरा, इमेज प्रोसेसिंग आ गया। और लास्ट वन था मे बी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ठीक है। आप कोई अगर आपको स्किप करना है स्किप भी कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वाले कैटेगरी में आपके कुछ भी पोस्ट नहीं, तो ये टैब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें जो भी अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं, वो कैटेगरी को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अभी इसका व्यू कैसे आ रहा है। अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ तो व्यू ऐसे आ रहा है, देखिए क्लिक किया मैंने, उसके रिलेटेड ब्लॉग दिख रहे हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के। अब इसमें कुछ सेटिंग करनी होती है अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये टैब को मुझे मिडल में लेके जाना है या फिर
राइट में लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगी, ये सेटिंग्स में आऊँगी, इसमें वो पूछ रहा है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये देखिए राइट में लेके जाना है या मिडल में, मुझे मिडल में रखना है, मैंने मिडल में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको ये तीन, यहाँ पे चार का ग्रिड है, तो अगर तीन कॉलम का ग्रिड बनाना है तो आप तीन कर सकते हैं, दो का करना है दो का कर सकते हैं, मुझे अभी यहाँ तीन का चाहिए इसीलिए मैंने तीन पे क्लिक कर दिया है। इसके अलावा ये ब्लॉक के साथ में आपको टाइटल दिख रहा है और मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है तो आप शो एक्सर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे शो पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखो आपको थोड़ा सा कंटेंट भी दिखाई देने लग गया। ओके, अगर हाइट करना है आप हाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये टैब का कलर आपको चेंज करना है तो आप स्टाइल में जाके यहाँ पे देखिए, अगर आपको मार्जिन बॉटम बढ़ाना है या कम करना है, फिर मुझे कलर या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं ये कलर ऑप्शन में गई। कलर ऑप्शन में जाने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल रेड कर दिया। रेड करने के बाद मुझे बैकग्राउंड कलर, ये जो वॉलेट कलर का आ रहा है, इसको चेंज करना है और ग्रे करना है, तो मैंने इसको ग्रे कर दिया। ओके, फिर ऑन होवर पे मुझे कलर चेंज करना है, तो ऑन होवर पे मैंने फॉर एग्जांपल वाइट टेक्स्ट कर दिया है और बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लैक। ओके, तो ये देखिए ऑन होवर पे और जो एक्टिव टैब है उस पे कलर हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सेटिंग कर सकते हैं इसमें। तो आपने देखा कितना इजीली आप कैटेगरी के टैब बना सकते हो अपने पेज में यूजिंग फ्री प्लगइन इन एलिमेंटर। आपको इस प्लगइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।